हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और आज हम एक चारकोल पोर्ट्रेट बनाएंगे मनीषा कुरैला जी का। तो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, ड्राइंग मैंने कर ली है एक हल्की सी, और उसके ऊपर अभी मैं चारकोल से एक बेस कोट लगा रहा हूँ, और ब्रश के स्ट्रोक्स भी मैं उसी तरफ लगा रहा हूँ जिस तरफ मुझे चाहिए कि जो प्लेन्स हैं, फेस के जो प्लेन्स हैं, फेस की जो स्किन जिस तरफ जाती है, हेयर जिस तरफ जा रहे हैं उसी तरफ को स्ट्रोक्स भी जाएं। हालांकि अब बाद में हम आगे उसको प्रोसेस जो करेंगे स्मजिंग का और शेडिंग का, वो भी चेंज होता रहेगा, पर शुरू में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो ब्रश के स्ट्रोक्स चारकोल के साथ आ रहे हैं वो उसी डायरेक्शन में रहें जिस डायरेक्शन में स्किन की मूवमेंट होती है या फेस का जो स्ट्रक्चर है, प्लेन्स हैं, जिस डायरेक्शन में जाते हैं। और उसके बाद मैंने अभी मैं स्प्रे कर रहा हूँ एल्कोहल का स्प्रे टेक्सचर लाने के लिए, जो मैं सब चारकोल ड्राइंग्स में करता हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल एकदम प्लेन ड्राइंग नहीं पसंद, रेंडरिंग पसंद, मुझे टेक्सचर मुझे बहुत पसंद है। तो मैं वही लाने के लिए एक बेस स्प्रे कर देता हूँ एल्कोहल का। इसके बाद हम ड्राइंग को थोड़ा सा और डार्क करेंगे, जो थोड़ी सी छुप गई है, फीचर्स को प्रोमिनेंट करेंगे। और ये तस्वीर मनीषा जी ने अभी कुछ दिन पहले शेयर की थी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे, जिसमें मैंने देखी। ये उनका पहला फ़ोटोशूट था, जब उसकी फ़ोटो है, और देखते ही मुझे एकदम से, मतलब मुझे लगा कि यार ये तो चारकोल में बनानी है। एक तो रेफरेंस फ़ोटो भी ब्लैक एंड वाइट है, मोनोटोन है, हल्की सी वार्म्थ है उसमें कलर में सीपिया, और एक बहुत ही इनोसेंस, जो नेचुरल ब्यूटी कहें विदाउट मेकअप, वो चीज़ मुझे एकदम से मतलब अट्रैक्ट किया कि इसको मुझे अपने स्टाइल में अपने हाथों से कुछ बनाना है, और चारकोल मीडियम में ही बनाना है, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट और वो जो टेक्सचर है, वो एक विंटेज फील जो आता है, वो चारकोल में आ पाएगा, वो चीज़ जो मैं चाहता हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि आज बनाते हैं। अभी मैं ड्राइंग को थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर रहा हूँ, उसके बाद फिर हम शेडिंग में जाएंगे। ड्राइंग पूरी भी एकदम डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली बाल वगैरह, क्योंकि बाल थोड़े से एब्स्ट्रैक्ट हैं, इसलिए मैंने फीचर्स पे ज़्यादा ध्यान दिया है। मैंने थोड़ी सी अलग, हमने जंप किया, शेडिंग काफ़ी कर ली है मैंने, और अब उसमें एक राउंडनेस और फेस में जो प्लेन्स हैं उनको मैं और प्रोमिनेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, शेड कर रहा हूँ। और जनरल की चारकोल पेंसिल मैं यूज़ कर रहा हूँ, तीनों ग्रेड्स मैंने इसमें यूज़ किए हैं, इस ड्राइंग में 2B, 4B और 6B। हार्डनेस इनकी अलग अलग रहती है, 2B सबसे हार्ड, 4B थोड़ी सॉफ्ट और 6B उससे ज़्यादा सॉफ्ट। और एंड में बालों के लिए मैंने चारकोल स्टिक यूज़ की है जनरल पेंसिल्स की, उसमें ज़्यादा एरिया कवर आसानी से हो जाता है, पेंसिल में धीरे धीरे हो पाता है। और ये चिन वाला जो पार्ट होता है स्पेशली, इसमें काफ़ी ध्यान से शेडिंग करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जो लाइट होती है वो बहुत ज़्यादा बाउंस करती है, स्पेशली नीचे से भी, आप किस तरह के एनवायरनमेंट में हैं उस पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, तो वो चीज़ें हैं। बाकी मैं ज़्यादा इसकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर पाया, इतनी सी कर पाया हूँ,
I hope you enjoy it. तो गाइस ये रहा फाइनल पोर्ट्रेट। मुझे मज़ा आया ये बनाने में, आई होप आपको भी अच्छा लगा हो। A3 साइज पे है ये। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को शेयर करना अगर आपको पसंद आए। और फिर कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ और नए आर्टवर्क के साथ। Bye, take care, stay safe, stay home.